गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। ये 8 बजे लेकिन ये इसको पानी खाना शुरू हो गया, लेकिन आज मैं थोड़ा दिखता हूँ और मैं ये ही चाय की भगान और मैं चप्पल के चला उठता है। हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा ले जाता था लेकिन आज का दिन हम लाया ही नहीं। देखो इतना सुंदर फूल है। देखो मम्मी देखो तो कितना कितना होगा, तब तो बंद कर रहे हो जाएगा। एक्चुअली मैं ड्राइवर भैया का घर में टीवी सिग्नल मिला दे रहा था, तो वो दीदी ने तो बोला कि ऐसा आ रहा है लेकिन यहाँ कम हो गया, लेकिन हो जाएगा आई थिंक पिक्चर आ रहा है। तो गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, देखिए तो जितने भी औरत हैं वो लोग भी कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में। ये लड़का सुबह सुबह पानी शुरू हो गया, अभी बीमार हजार होगा, कौन और करेगा। इजवान अरे पानी जरी तो आए, शक्कर कम आए। अभी 8 बज जाए लेकिन ये इसको पानी खाना शुरू हो गया, भिजा हो गया। आज मेरा हस्बैंड ने होलोंगी ले जाने का प्रॉमिस किया है। जब से बीमार हुआ है मैं बाहर नहीं गया है, तो इसलिए मैं होलोंगी जाने का मेरा बहुत मन है। तो मैं उससे पहले ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन हम लोग को टाइम में मिलने का कारण हम लोग प्लानिंग नहीं किया है, तो आज जाने के लिए प्लानिंग है। लेट्स सी क्या होता है। फाइनली हम पहुंच गए होलोंगी में, और मेरा मन था ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये चीज़ को हम देखने के लिए, ये भी साल में एक बार आता है, तो इस चीज़ को हमको बहुत देखने मन था और आज देखने मिल गया है। और मैं जब बीमार था तब मैं सोचती रहती थी इसका सीज़न कब चला गया, ओह माय गॉड, ऐसा सोचते रहते था। लेकिन आज मैं थोड़ा देखता हूँ और मैं फाइनली देखने मिला। इंसान जब ठीक होता है तब सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान जब बीमार होता है ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, घर बैठ बैठ के दिमाग ख़राब हो जाता है। एक्चुअली बेटा को हमने अभी जस्ट जगाया है, तो उसको सरप्राइज लग रही है कौन सा जगह में आया, इसलिए वो इंजॉय कर रहा है। और उसको पानी बहुत पसंद है, ये जगह में भी वो पानी में जाएगा। और क्या हम लोग को थिक से फोर्स किया, लेकिन हम लोग जैसे तैसे उठा के ले गया है, क्योंकि बहुत दिन बहुत मतलब धूप था और कहीं रेस करने जगह भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग कहीं और चला गया था। फिर हम आ गए चाय का बागान, ये भी होलोंगी में ही है, तो कभी कभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ज़्यादा ही टेंशन होने से यहाँ आया करो फ्रेश हवा ताज़ा हवा खाने के लिए। तो लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है और बहुत ओ है, मक्खी वगैरह है जो बार बार आँख में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैं बार बार अपने आँख को कर रही थी। तो मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों आगे चला गया है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं वीडियो थोड़ा बना लूँ ताकि यूट्यूब में डाल लूँ। आजकल मैं बहुत ही बिजी होती हूँ बच्चा के साथ, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, और मोस्ट ऑफ टाइम मैं कोरियन ड्रामा में बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि कोरियन ड्रामा एक बार देखना शुरू हो जाए उसका आदत लगना शुरू हो जाए, तो ये कोरियन ड्रामा जो है मेरा करियर को डायरेक्ट बर्बाद कर रहा है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये ही चाय की बागान, और मैं बहुत साल पहले यहाँ आया था, अब मैं शायद 6-7 ईयर्स के बाद आया हूँ, बच्चा पैदा होने के बाद जब मैं बेची लगती तब आया था, अब बच्चा माँ बन चुका। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मैं पहले शादी नहीं हुआ था तब मैं यहाँ आया था, और अभी मैं बच्चा होने का बाद आया हूँ, तो आई थिंक 6-7 ईयर्स हो गया है। बहुत ही मच्छर, इसलिए हम लोग सब हम लोग जा रहे हैं, मच्छर है यहाँ पे, चप्पल के चला उठता है बस। हरियारे हरियारे चाय की बागानी, अया गंदा पिंदा एक करके तो कुका ताचू। फिर हम आ गए एक छोटा सा नदी था, तो हम यहाँ पे आया तो मेरा बेटा और पति दोनों का ही चला गया, तो इसलिए दोनों को हम चिल्ला रहे कि जल्दी वापस आओ, तो देखो वहाँ पे दोनों आ रहे हैं। तो एक्चुअली बेटा को जो पानी बहुत पसंद है, इसलिए वो अभी पानी को मतलब इसको खेलना है, तो अभी बहुत गर्म है और बाद में कुजली वगैरह भी होगा, तो इसलिए हम लोग डर के इसको वापस लेके जाए। फिर ये जो नहीं मानेगा बोल के पूरा अपना पूरा कपड़ा भी भिजा दिया, फिर हम एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लाया है। अलग दिन में हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा ले जाता था, लेकिन आज का दिन में हम लाया ही नहीं इसका लिए एक्स्ट्रा कपड़ा। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा लाता तो थोड़ा इसको खेलने देता, लेकिन ये अभी एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं है, बीमार भी होगा, तो इसलिए हम लोग अभी जल्दी जाना पड़ेगा इसको ज़बरदस्ती उठा के। चिकमुक तक लगा इन देखो, ये आदमी ऐसे ही है,
चिंग बतलाओ ऐसे ही है। अयो उ गादा ये इस पास जा रहा था। अयो क्या हो गया, क्या पकड़ी तो कहो गया। फिर हम आ गए रेस्टोरेंट पे क्योंकि बहुत गर्म हो गया था और प्रस तक भी गया था, फिर बेटा भी गंदा हो गया था, इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट में आके बेटा को क्लीनिंग किया और उसके बाद उसका जो कपड़ा भिजा वाला था उसको हम बाहर में सुखा दिया था और हमने चाउमीन और फ्रेंच फ्राई ऑर्डर किया था। फिर बेटा को हमने जो कपड़ा मतलब पहनाया था उसको वो खुद कैमरा में देख के मतलब ये कपड़ा को अभी नहीं पहनेगा बोल रहा था, लेकिन हमने जैसे तैसे पहना था क्योंकि बहुत ही अंदर में भी ठंडा था क्योंकि एसी था, तो उसको पहना दिया और कुछ कुछ खिला लिया। फिर हम निकल पड़े घर की ओर। A few moments later देखो ये पूल, देखो इतना सुंदर पूल है, रियलिटी में इतना सुंदर पूल है। ये चला नानी रमाया जाओ ना एक तो निकल के लेके आओ ना, इतना सुंदर है यार ये पूल, बहुत ही सुंदर है ये पूल को लेने के लिए हम इसको भुकना पड़ रहे, नहीं तो हम नहीं भुकता था। अया यार इसके मत जाओ तब तो जितने हाँ यहाँ पे तो बहुत है लेकिन ये सामने में तो है, ये इतना बड़ा वाला है कहाँ है वो यहाँ पे तोड़ने के लिए किया है तो, सॉरी यहाँ पे तोड़ने के लिए किया था। हाँ इस तरह का पूल वाला को तोड़ो ना, सुंदर है वो पूल, ये फोन से तो किला नहीं लेकिन असली में बहुत ही सुंदर है ये पूल, जो बहुत ही सुंदर है। तो इतना सुंदर पूल है पता नहीं भैया, सुंदर पूल देखिए ओपेने का तोड़ा वाला है, हम नहीं तोड़े देखेगा पूरी का आपा कुमार होना खराब हो जाएगा ना। हम पहुंच गए घर, तो हमने ये पुल को ले लिया, अब इसको अरेंज करूँगी कहीं में डालेगा। और तब तक ले मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू वेरी सून।